के प्रायोजक थे वाहकार.com, सजाएं हर जगह हमारे साथ। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यवसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवंत नमक इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बोधी। सतीश जी गुड मॉर्निंग। यश जी गुड मॉर्निंग, सभी दर्शकों गुड मॉर्निंग। यश जी बताएंगे देश के प्रमुख अखबारों में क्या खबर प्रकाशित हुई है। नवभारत अखबार से हम शुरू करेंगे। आरक्षण मुद्दे पर हाईकोर्ट की राज्यपाल सचिवालय को नोटिस। अवैध था तो विरोध क्यों नहीं किया, भूपेश का रमन परिवार, ये एक बयान पर आरक्षण को लेकर। जी जी। तुर्की सीरिया में भीषण भूकंप से हाहाकार, 3200 से ज्यादा मौतें। ये तुर्की और सीरिया की खबर है सतीश जी, जो भूकंप आया है वहां पे। बैंगलोर में बसे संगीतकार रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड मिला है। 6 मार्च को राज्य बजट संभव। चौपाटी मामले में वर्क एजेंसी भी बनेगी पक्षकार। मोदी ने समर्पित की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी किया अनावरण। पाक पीएम का दो टुक, हम भीख मांग कर जिंदा है जी। अब हम अगली खबर पत्रिका से पढ़ेंगे। शंकराचार्य स्वामी जी ने एक बयान दिया कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि वर्णक मैंने बनाए, तो फिर भागवत ने कौन सी रिसर्च की जो कह रहे हैं कि जाति पंडितों ने बनाई। हाईकोर्ट विधेयक को रोकने संबंधी छत्तीसगढ़ शासन की याचिका पर सुनवाई। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के सचिव को नोटिस। बेमित्रा, शादीशुदा युवक ने युवती से बरगला कर की शादी, चक्का जाम। दुर्ग बेमित्रा हाईवे 5 घंटे जाम रहा था। ये एक खबर है जो दुर्ग जिले की है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत। विधानसभा का बजट सत्र 1 से 24 मार्च तक होगी कुल 14 बैठक। दुर्ग पुलिस पर नोएडा में केस, बिना सूचना 9 सट्टेबाजों को उठा लेने का आरोप। रायपुर स्टेशन में 9 फरवरी को 6 घंटे का ब्लॉक, 8 लोकल ट्रेन रद्द। चिटफंड के 3270 निवेशकों को मिले 2.56 करोड़ रुपए। ये कल की खबर है जो चिटफंड जिनके पैसे फंसे थे उनके। अब अगली खबर हम हरिभूमि की लेंगे। अदानी पर संसद में संग्राम। LIC और SBI के सामने कांग्रेस ने जताया विरोध। 11 वकील और 2 विधि अधिकारी हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश। भाजपा के 3 नेताओं को मिली वाइस प्लस सुरक्षा। हज के लिए मुफ्त आवेदन, 25,000 से होंगे रवानगी जी। अब दैनिक भास्कर में पढ़ेंगे। 500 जेल प्रहरी, 2000 नगर सैनिक की भर्ती का प्रस्ताव। रायपुर समेत 5 संभागों में साइबर थाने और 17 जिलों में डायल 112 सुविधा शुरू करने की तैयारी। ये भास्कर की इन्वेस्टिगेशन है। छत्तीसगढ़ के 7 खेल अकादमियों को काम और परिणाम की बड़ी पड़ताल। कोच 6 माह ने टिक सके, फंड 20% ही खर्च। असर, नेशनल टीम में नहीं पहुंचे एक भी खिलाड़ी। राजस्थान भव्य मंदिर के सभी पुजारी दलित, बच्चों के नाम हनुमान रखे जाते हैं। मान्यता है कि यह प्रतिमा प्रकट हुई इसलिए छत नहीं। तेजस जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दैनिक भास्कर से। कोच 6 माह से नहीं टिक सके, 20% फंड खर्च हो गया है, नेशनल टीम में कोई नहीं पहुंचा। क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की क्रिकेट टीम के बारे में? जी, ये केवल ये क्रिकेट का नहीं है, इसमें हॉकी, तीरंदाजी, जो 6 साल में 30 करोड़ मिले और खर्च सिर्फ 5 करोड़ हुआ है। तो अभी चूंकि अगर हम बाकी खेलों को छोड़े, अभी पहले तो क्रिकेट का भी विवाद चल रहा है, क्रिकेट का, बाकी जो एथलेटिक और जो तीरंदाजी और अन्य खेल है उस पे भी, तो ऐसा क्यों होता है छत्तीसगढ़ में कि खिलाड़ियों के साथ अपेक्षा होती है? हमने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों में
असीम संभावना है, चूंकि आपने नारायणपुर में एक मिशन है, रामकृष्ण मिशन, वहां से इतने ज्यादा तादाद में नेशनल खेले हुए बच्चे निकलते हैं फुटबॉल के, मगर क्योंकि एक नियत की बात भी होती है और कहीं ना कहीं जो अप्रोच रहता है खिलाड़ी बनाने में वो एक अहम भूमिका निभाता है। एक खिलाड़ी को बनाने के लिए केवल संसाधन जरूरी नहीं है, उसके पीछे उनको 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 लेके चलना पड़ता है, उनको हर एंगल से, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल एस्पेक्ट हो, दोनों एस्पेक्ट पे काम करते हुए खिलाड़ी बने। यार जी, दैनिक भास्कर ने कुछ पॉइंट्स दिए, चार पॉइंट्स दिए, जिसमें लिखा है प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड की अच्छी तरह ग्राउंड नहीं है उनके पास, मेडिकल स्टाफ और फिजियो वगैरह नहीं है, है ना। भास्कर की टीम ने को रायपुर खिलाड़ी हॉकी, तीरंदाज, फुटबॉल और एथलेटिक करते देखे, लेकिन कोच नजर नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारी बातें, फैक्ट्स लिखी है जी, ये भास्कर जी ने ये रिपोर्ट लिखी है जो हमारे। तो अभी हम अगर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और खिलाड़ियों की उपेक्षा हो रही है तो कहीं ना कहीं गलत है जी। एक चीज हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि क्रिकेट ही क्यों आगे बढ़ता है, तो उसका एक मेन कारण ये भी है कि क्रिकेट कई हद तक बहुत अच्छा है और खिलाड़ी अच्छे और कोचेस भी मिलते हैं, मगर ये एक दूसरा पहलू देखे तो खेल विभाग को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ में संभावना और खिलाड़ी निकले। अब अगली खबर है दैनिक भास्कर अखबार की, 500 जेल पैरी और 2000 नगर सैनिक की भर्ती का प्रस्ताव, रायपुर समेत 5 संभागों में साइबर थाने और 17 जिलों में डायल 112 सुविधा शुरू करने की तैयारी। ये बहुत अच्छी खबर है उन बेरोजगारों के लिए कि जो रोजगार का तलाश कर रहे हैं वो भी सरकारी नौकरी, तो उनके लिए 500 जेल प्रहरी, बहुत बड़ी तादाद में जेल प्रहरियों की भर्ती होनी है और 2000 से ज्यादा नगर सैनिकों की, बहुत अच्छा उन बेरोजगारों के लिए एक सुनहरा मौका होगा कि जो शासकीय नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो ये रायपुर समेत 5 जो संभाग है हमारे, 5 संभाग के जो बेरोजगार है उनके लिए भर्ती है, और ये बहुत अच्छा है कि मतलब उनको रोजगार मिल जाएगा। दूसरी बात है कि वो साइबर थाने, तो चूंकि आजकल जो अपराध हो रहे हैं लगातार साइबर कनेक्ट हो चुकी है, चूंकि मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करके लोग ठगे जा रहे हैं, और जो ठग है इसी का सहारा ले रहे, तो इसीलिए 17 साइबर थाने आरंभ हो रहे हैं और 112 की सुविधा की तैयारी हो रही है। बहुत अच्छी खबर है दैनिक भास्कर की। यस, आगे और अन्य अखबारों की खबर के बारे में आप बताएंगे जी। अब हम अगली खबर हरिभूमि अखबार की लेंगे। अदानी पर संसद में संग्राम, LIC और SBI के सामने कांग्रेस ने जताया विरोध, चूंकि ये जो हिडनबर्ग नाम की एक कंपनी है अमेरिका के, अदानी जो समूह है जो, उसकी जो शेयर गंभीर आरोप है उसको जारी किया और कुछ आरोप भी लगाए, तो उसकी वजह से शेयर मार्केट एक विपक्ष के पास मुद्दा हो गया है ये, चूंकि मैं कहूंगा जो एक उदाहरण देते हुए 3000 के जो शेयर थे अडानी की कंपनी ने 50% रिकवरी कर ली है, तो वो 1500 के शेयर अभी भी जो शेयर मार्केट में निवेशकों ने जो निवेश किया था अभी भी वो 50% ही घाटे में चल रहे हैं। पर चूंकि संसद में ये हंगामा है, इसके पहले भी हिडनबर्ग ने 10 कंपनियों को जब रिपोर्ट निकाली तो उनको घाटा करवाया पहुंचाया, और कहीं ना कहीं ये एक विपक्ष के पास एक अच्छा मुद्दा है। आपको यस जी बता दें, इसमें जैसे अदानी ग्रुप के चेयरमैन जो है, तो उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका वीडियो आया था, सोशल मीडिया पे भी आया था और सभी टेलीविजन चैनलों में भी, टीवी चैनलों में भी दिखा था। तो वो एक चीज है कि वो उनके तरफ से पक्ष रखा गया, लेकिन उनका कहना है कि अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है उनका कहना है कि ये जो एजेंसी है उससे उनको कुछ नहीं। सतीश जी, अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो अगर गौतम अडानी जी कह रहे जो अडानी ग्रुप के ओनर है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता नहीं तो शेयर गिरते नहीं, नंबर एक पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि ये सीधा सीधा देश पर हमला है, तो ये देश पर हमला नहीं है, ये अडानी समूह पर हमला है, और देश अडानी समूह के लिए कोई गारंटर नहीं है जी, है ना। और जो अडानी समूह है उनको उनके
दस्तावेज उनको पेश करने होंगे, और अगर वो ये सोचते हैं कि इडनबर्ग ने गलत किया तो उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। जी 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 जी। अब हम पत्रिका की पत्रिका की लेंगे जी। बेमित्रा शादीशुदा युवक ने युवती से बरगला कर की शादी, चक्का जाम हुआ। ये कल की खबर है, चूंकि 5 घंटे तक जो दुर्ग बेमित्रा हाईवे है वो जाम रहा, तो ये शादीशुदा युवक ने दोबारा बरगला कर दूसरी युवती से शादी करने की कोशिश की है। एक बड़ा मामला है ये और गंभीर मुद्दा है कि जब वो पहले से शादीशुदा था तो दूसरे बार शादी चूंकि करने जा रहा था, और जिसकी वजह से एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत गंभीर अपराध भी ये कर रहा था। पत्रिका में एक बड़ी खबर भाना भागवत कौन सी रिसर्च की है जो कह रहे हैं कि जाति पंडितों ने जी, ये बहुत मतलब शंकराचार्य जी का ये जी, आरोप है कि आरएसएस प्रमुख के ऊपर ये बात उन्होंने कही है। तो ये चूंकि भागवत जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत जी, तो उन्होंने 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि जाति पंडितों ने बनाई। जी जी जी। तो उसका उसके जवाब में शंकराचार्य जी ने ये बोल कह दिया कि भागवत कहाँ रिसर्च करके आए। जी जी जी। तो ये मतलब आरोप प्रत्यारोप देखिए अभी सती जी, अगर मैं आपको आप जैसे बताऊं तो 2024 में चुनाव आने वाले हैं और ऐसे कई तरीके के जो राजनीतिज्ञ है और जो चूंकि आरएसएस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, ऐसे बयान हमको बहुत जल्द और ज्यादा से ज्यादा सुनाई देंगे। चूंकि उन्होंने कह दिया, मुझे पता नहीं उनकी क्या मंशा थी, मगर उन्होंने कहा था कि जातियां तो पंडितों ने बनाई है। ये जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत है उनका बयान है। अब ये देखना होगा कि ये जो उन्होंने बयान दे दिया वो कहां तक तुल पकड़ता है, चूंकि आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है अपने आप में देश में, तो देखना होगा। और अगली खबर ये भी है, जेपी नड्डा 11 को बस्तर से करेंगे चुनावी शंखनाद। तो आपको मैंने पहले भी कहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जो आगामी विधानसभा है किसी भी तरह यहाँ पर सत्ता हासिल करना चाह रही। इसके पहले भी जो गृह मंत्री अमित शाह कोरबा पहुंचे थे, जेपी नड्डा बस्तर पहुंच रहे, तो ये बीजेपी लगातार इस जो छत्तीसगढ़ का किला को फतह करना चाह रही है, तो लगातार जो राष्ट्रीय नेतृत्व है लगातार वो पहुंच रहे हैं। एक बात ये थी कि दुर्ग जिले और रायपुर जिले में किसी का ध्यान ही नहीं है भाजपा के बड़े नेता का, केवल बस्तर हो गया, जबकि दुर्ग में भी बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई थी कांग्रेस ने भाजपा को। नहीं, इसका शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अभी भी मजबूत हम मान सकते हैं। ठीक है, चुनाव में परिणाम हार या जीत के आ सकते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है जैसा अंबिकापुर क्षेत्र हो गया या बस्तर क्षेत्र हो गया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है। जी। तो आपने देखा होगा कि टीएस बाबा जो अंबिकापुर के महाराजा है वो उनके बहुत ज्यादा उनके समर्थक है, बहुत ज्यादा उनके विधायक समर्थक है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो लगातार जब उन स्थानों को या उन जगहों को चिन्हांकित कर रहे कि जहां पर बीजेपी की स्थिति सुधारी जाए। जी। अगली खबर ये बड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने विधेयक को रोकने संबंधी छत्तीसगढ़ शासन की याचिका पर सुनवाई, आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के सचिव को नोटिस। देखिए क्या है, ये आरक्षण मुद्दा लगातार पिछले भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में से आरंभ हुआ और अब तक चल रहा है। चूंकि भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल ने विधेयक तो पारित कर दिया था विशेष सत्र बुलाकर, उसके बाद अगर राज्यपाल जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके जी, उन्होंने अब तक विधेयक पे सिग्नेचर नहीं किया, तो अब जो हाईकोर्ट ने ये पूछा है, नोटिस भेजा है कि क्यों नहीं साइन हुआ, तो हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट का जो पूछना सही है। जी। ये रायपुर से मतलब रायपुर में 9 घंटे तक 9 फरवरी से 6 घंटे तक मेगा ब्लॉक रहेगा, जिससे 8 लोकल ट्रेन रद्द हो, कितना प्रभावित होगा लोग जो डेली अपडाउन कर रहे हैं। प्रभावित तो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि जो आवागमन की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं
रोकथाम लग जाएगी, जो लोकल जाने वाले लोग हैं, जो मान लीजिए भिलाई से रायपुर जाते हैं, जो अपना व्यवसाय करते हैं या नौकरी पेशे के लिए है, तो उनके लिए ये एक प्रकार से देखा जाए तो अब ये शायद दिन देखना होगा कि 9 फरवरी को कौन सा दिन है, क्योंकि 9 बजे से सुबह साढ़े चार से पांच बजे तक आने जाने वाले ट्रेनों में थमाया जाएगा, तो ये रात में होगा, तो उसकी वजह से ये रेलवे प्रशासन ने भी देखा है कि लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो, तो उसके चलते ये उस तरीके से। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, दर्शकों आप बने रहे, चाय पे चर्चा जारी है। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers make contact to be our privileged customer on 74005 74005. शिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है इंडियन न्यूज में, चाय पर चर्चा हम शुरू करेंगे। अब अगली खबर है, दुर्ग पुलिस पर नोएडा में केस, बिना सूचना 9 सट्टेबाजों को उठा लेने का आरोप। ये दुर्ग पुलिस पर नोएडा में केस है सतीश जी, ये क्योंकि कल दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें बताया कि जो महादेव ऐप सट्टा, जो ऑनलाइन सट्टा है, उसके 9 आरोपी को हमने पकड़ के लाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस के मित्रों को बताया कि वो ऑनलाइन सट्टा का संचालन कर रहे थे, चूंकि वो भिलाई और छत्तीसगढ़ के निवासी है, तो बिना बताए वहां से किसी व्यक्ति को उठा के ला रहा, चूंकि वो फ्लैट में किराए में रह रहे थे, वहां पर जो लड़के जो भिलाई के है अधिकांश, तो वो वहां किराए में रह रहे थे और बिना बताए पुलिस उठा के ला गई, लेके आ गई, तो मैनेजर ने दर्ज कराया, चूंकि वो किराए पे थे जी। तो उन्होंने FIR दर्ज कराने का बात कही है, चूंकि इसके बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं आ पाई है कि FIR हुआ है कि नहीं, मामले की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमने कोई FIR की कॉपी प्राप्त हुई है, इस संबंध में जानकारी के बाद ही कुछ बता सकते हैं। ये संतोष मिश्रा जी है, TI ASC
जो साइबर क्राइम के, तो ये बात हम भी कह रहे हैं कि अभी तक जो उसकी पुष्टि नहीं हुई कि एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये बात पत्रिका ने छापी है तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई जरूर होगी। अब अगली खबर सती जी, राज्यपाल का अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी, विधानसभा का बजट सत्र 1 से 24 मार्च तक होगी, कुल 14 बैठक, तो प्रश्नकाल के बाद पेश होगा 5वां बजट। अब ये भूपेश सरकार का अंतिम बजट रहेगा और ये कहीं ना कहीं ये निर्णायक बजट रहेगा, निर्णायक बजट रहेगा, लोगों को लुभाने वाला बजट रहेगा, क्योंकि अंतिम बजट है, इसके बाद सीधा विधानसभा चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं इस बजट के बाद, जैसे आपने सेंट्रल का जो बजट देखा तो कहीं ना कहीं लोगों के हित में था, और जो छत्तीसगढ़ का बजट होगा ये भी लोगों के हित में होगा। चूंकि समय हो चुका है चलने का, चाय पे चर्चा समाप्त करने का, आप सभी दर्शक बने रहे इंडियन न्यूज के साथ, नमस्कार।